वेलकम टू टेस्टी बाइट्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थाई पोटैटो सैलेड की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी रेसिपी को शेयर एंड लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रेसिपी बनाना। तो थाई पोटैटो सैलेड बनाने के लिए मैंने कुछ पोटैटोज़ बॉयल किए और मैंने इनको इस तरीके से, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए, मैंने इसको इस शेप में कट कर लिया। और यहाँ पे मैंने एक पैन रखा है गैस पे, गैस हमारी ऑन है। इसमें मैं थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ, सिर्फ हम थोड़ा सा ही बस लगाएंगे। और इन आलू को हम धीरे धीरे इस पे रख देंगे और फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे। और इनको दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा सेक लेंगे आलूओं को। तो उधर हमने थोड़े से आलू को फ्राई होने के लिए रखे हैं। तो यहाँ पर मैं एक सॉस बना रही हूँ, थाई सॉस, जिसके लिए मैंने लिए ड्राई रेड चिलीज 5 to 6, 1 teaspoon सोया सॉस, 6 to 7 गार्लिक क्लोव्स, 3 teaspoon शुगर, 1/2 teaspoon सॉल्ट एंड 2 teaspoon विनेगर। इन सबका एक हम सॉस बना लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। 3 to 4 tablespoon हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो हमारा सॉस रेडी है और यहाँ हमारे आलू भी अच्छे से दोनों साइड से मैंने इनको फ्लिप कर दिया था, ये फ्राई हो गए। इनको मैं प्लेट में निकाल ली। तो आलू हमने निकाल लिए और उसी पैन में मैं 1 teaspoon बटर डाल रही हूँ और फ्लेम को हम लो रखेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कैरेट, रेड बेल पेपर, फ्लेम को लो रखेंगे, येलो बेल पेपर, मशरूम, सब कुछ फाइनली चॉप होना चाहिए, बहुत अच्छे से चॉप करके मैं आप सब कुछ, स्प्रिंग अनियन, सम स्प्राउट्स। ये बहुत हेल्दी सैलेड बनती है, आप लोग डिनर में ये खा सकते हैं। और कुछ पनीर लिया है मैंने, पनीर क्यूब। इन सबको हम 2 to 3 minutes सॉटे करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको सॉटे नहीं करना है, इसका क्रंच ख़त्म नहीं होना चाहिए वेजिटेबल्स का। तो फ्लेम को फुल कर दिया है मैंने, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon सोया सॉस, 1 teaspoon पाउडर शुगर, 1 salt to taste एंड 1 teaspoon लेमन जूस। फ्लेम को फुल करेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 seconds हम इसको बस ऐसे ही सॉटे करेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो 2 seconds बाद हम फ्लेम को बंद कर रहे हैं, तो हमारा सैलेड ड्रेसिंग भी रेडी है। तो अब हम हमारी सैलेड को प्लेट कर लेते हैं, थाई पोटैटो सैलेड को। इस पर थोड़ा थोड़ा हम लगाएंगे सॉस, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा ज़्यादा लगा लें। तो हमने सब पे सॉस लगा दिया है और इस पर हम, मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ सब पे, थोड़ी थोड़ी हमने जो सैलेड बनाई थी ये भी डाल देंगे हम थोड़ी थोड़ी इन सब पे। तो मैंने ये प्लेट कर दिया है और इस पर मैं थोड़ी थोड़ी सी नायलन सेव डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इस पर डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारी वेरी डिलीशियस एंड वेरी हेल्दी थाई पोटैटो सैलेड। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाय बाय, टेक केयर।